किसान भाइयों नमस्कार स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर 500 मंडियों को जोड़कर शुरू होगी राष्ट्रीय साझा कृषि मंडी खराब मौसम के कारण बागवानी फसलों के उत्पादन में कमी आने की आशंका किसानों को लागत मूल्य का पचास प्रतिशत लाभांश के रूप में मिले संकर बीजों पर अनुदान कृषकों के बैंक खातों में जैविक खेती को बढ़ावा और कृषि उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं अब समाचार विस्तार से किसानों को कृषि पैदावार को पूरे देश में ऊंची कीमत पर बेचने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय साझा कृषि मंडी के तहत देश की 500 कृषि मंडियों को आपस में जोड़कर ई विपणन शुरू किया जाएगा जिसके लिए जिन मंडियों का चयन किया जा रहा है उन मंडियों को 30 तीस लाख रूपए की राशि दी जाएगी ताकि वे ई विपणन प्लेटफॉर्म ऐसी जुड़ सकें देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बागवानी फसलों फल एवं सब्जी को व्यापक नुकसान पहुंचा है फलों एवं सब्जियों के वैश्विक उत्पादन में भारत का अंश 2011-12 से लगातार बढ़ रहा था और उत्पादन वर्ष 2013-14 में बागवानी फल एवं सब्जी उत्पादन में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई थी इसके सापेक्ष दो हजार में इसमें दो वृद्धि होने का अनुमान है मूल्य परामर्शदात्री परिषद द्वारा प्रदेश में बोई जाने वाली खरीफ की प्रमुख फसलों तथा रबी की फसलों के लागत मूल्यों पर निर्णय लिया गया है कि कृषकों को उनके लागत मूल्य का 50 प्रतिशत लाभांश रूप में प्राप्त होना चाहिए जिससे वह सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में खरीफ एवं रवि की फसलों के लिए कृषक की उत्पादन लागत का फसलवार डेढ़ गुना धनराशि समर्थन मूल्य के रूप में घोषित करने की संस्तुति करने का निर्देश दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले संकर बीजों पर अनुदान की राशि को बैंक खातों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश में कृषक किसी भी कंपनी का भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड संकर बीज जो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो उसका क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे बीजों की ब्लॉक स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश के छह मंडलों में से एक मई से सात मई तक 8 मई से 14 मई तक अन्य छह मंडलों में 15 से 21 मई तक एवं शेष मंडलों में कंपनियों के स्टॉल ब्लॉक स्तर पर लगवा कर बिक्री का आयोजन कराया जाएगा कृषकों को पूरे मूल्य पर बीज खरीदना होगा तथा अनुदान की धनराशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी प्रमाणित जैविक खेती के तहत खेती योग्य क्षेत्र पिछले एक दशक में लगभग सत्रह गुना बढ़ गया है ये क्षेत्र 2003-2004 में बयालीस हजार हेक्टेयर था जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर सात लाख तेईस हजार हेक्टेयर के स्तर पर पहुंच गया सरकार राष्ट्रीय सतत खेती मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना परंपरागत कृषि विकास योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन आई की जैविक खेती पर नेटवर्क परियोजना के तहत विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है इस योजना के तहत जैविक खेती का काम शुरू करने के लिए 50 या उससे ज्यादा ऐसे किसान जिनके पास 50 एकड़ भूमि है एक क्लस्टर बनाएंगे तीन वर्षों के दौरान इस तरह के दस हजार क्लस्टर बनाए जाएंगे जो पांच लाख एकड़ के क्षेत्र को कवर करेंगे फसलों की पैदावार के लिए बीज खरीदने और उपज को बाजार में पहुंचाने के लिए हर किसान को तीन वर्षों में प्रति एकड़ बीस हजार रूपए दिए जाएंगे ये जानकारी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कृषि राज्य मंत्री ने दी भारतीय मानक ब्यूरो ने देश में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता मानक प्रमाणित करने की व्यवस्था की है जिसके तहत बाजरा ज्वार रागी और जौ के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं इन मानकों में श्रेणियों के साथ गुणवत्ता के पैमाने भी तय हैं। निर्यात के लिए एगमार्क के अंतर्गत प्रमाणित होने वाले उत्पादों में अजवाइन बेसन काली मिर्च इलायची धनिया मिर्च लौंग हींग जीरा सौंफ मेथी घी शहद ईसबगोल सब गोल कीनू बड़ी इलायची सरसों पोस्ता दाना, दालें चावल भूना बंगाल चना बिना बीज की इमली सूजी अंडे आलू इमली का बीज व पाउडर साबुत दाना हल्दी वनस्पति तेल गेहूं का आटा गेहूं की दलिया मक्खन अंगूर प्याज व तंबाकू शामिल है और किसान भाइयों आइए बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय की जाने वाली कृषि गतिविधियों की मंगलवार सुबह हुई बारिश की वजह से एक बार फिर रवि फसलों की कटाई बुआई में बाधा पड़ी है और किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है मौसम में सुधार होने व तेज धूप के बाद फसल में सूखने पर उसे खेतों से काट लें और उसमें जो कुछ भी निकले उसे निकाल लें खेतों में पड़े रहने से उनके खेत भी फंसे रहेंगे और गेहूं खेतों में गिर जाएगा फिर अगली रवि के सीजन में जमेगा तो उसमें गेहूं में मिलावट होने की संभावना रहेगी जिन किसान भाइयों ने रवि फसलों की कटाई कर ली है और उसे घर ले आए हैं वे अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए धातु की बनी बखारियों कोठिलों अथवा बोरियों या कमरे में जैसी सुविधा हो उसका भंडारण करें भंडारण के लिए धातु की बनी बखारी बहुत ही उपयुक्त है भंडारण से पहले कोठिलों तथा कमरे को साफ कर लें और दीवारों तथा फर्श पर मेलाथियन के घोल का छिड़काव करें तथा सूखने के बाद भंडारण करें बखारी के ढक्कन पर पॉलिथीन लगाकर मिट्टी का लेप कर दें जिससे वायु रोधी हो जाए यदि पुरानी बोरियों का प्रयोग करना पड़े तो उन्हें एक, तो उनका एक भाग मेलाथियन व 100 भाग में पानी के घोल में 10 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लें इस मौसम में लता वाली सब्जियों में लाल भृंग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है यदि कीट की संख्या अधिक हो तो क्लोरोवास छिहत्तर ईसी की एक मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें, अधिक कीट पाए जाने पर इथियन डेढ़ से दो मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें भिंडी में शीरा मोजेक रोग के फैलाव का रोकने के लिए डाइमिथोट का छिड़काव करें बैगन तथा टमाटर की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु प्रभावित फलों तथा प्ररोहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें तथा फिरोमन प्रपंच दो से तीन प्रति एकड़ की दर से लगाएं मूंग या उरद की फसल में पीला चित्त वर्ण मोजेक रोग दिखाई देते ही प्रभावित पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर नष्ट कर दें नकदी फसल के रूप में किसान भाई खाली खेतों में मेंथा की रुपाई करें रबी के नुकसान की भरपाई उससे हो सकती है रबी फसल कटाई के बाद खेत में ग्रीष्मकालीन हरी खाद के लिए ढेचा सनई अथवा लोबिया की बुवाई करें। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की गेहूं का भाव बदायू की मंडी में 1450 रुपए प्रति क्विंटल मेरठ में 1480 रुपए, फैजाबाद में 1455 रुपए और शाहजहा की मंडी में 1425 रुपए प्रति क्विंटल रहा चावल का भाव बदायू की मंडी में 2080 रुपए प्रति क्विंटल मेरठ में 2815 रुपए, फैजाबाद में 2070 रुपए और शाहजहापुर की मंडी में दो हजार प्रति क्विंटल बिका चना बदायूं की मंडी में तीन हजार नौ सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल मेरठ में चार हजार पांच सौ साठ रूपए फैजाबाद में तीन हजार छह सौ सत्तर रूपए और शाहजापुर की मंडी में तीन हजार आठ सौ पचास रूपए प्रति क्विंटल रहा 돼? उरत का भाव बदायूं की मंडी में पांच हजार नौ सौ रूपए प्रति क्विंटल मेरठ में पांच हजार तीन सौ पचास रूपए और शाहजहापुर की मंडी में पाँच हजार आठ सौ पिचासी रूपये प्रति क्विंटल रहा बात अगर मसूर की करें तो इसका भाव बदायूं की मंडी में पाँच हजार आठ सौ पचास प्रति क्विंटल मेरठ में पाँच हजार दो सौ पचास फैजाबाद में पाँच हजार सात सौ सत्तर और शाहजापुर की मंडी में पाँच हजार चार सौ पच्चीस प्रति क्विंटल रहा आलू का भाव बदायूं की मंडी में चार सौ पचास प्रति क्विंटल मेरठ में चार सौ नब्बे फैजाबाद में छह सौ पांच रूपये और शाहजापुर की मंडी में चार सौ रूपये प्रति क्विंटल बिका टमाटर का भाव बदायूं की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल फैजाबाद में एक हजार और शाहजहाँपुर की मंडी में एक हज़ार प्रति क्विंटल रहा प्याज का भाव बदायूं की मंडी में एक हजार प्रति कुंटल मेरठ में एक हजार फैजाबाद में एक हजार और शाहजहाँपुर की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल रहा अदरक का भाव बदायूं की मंडी में दो हजार नौ सौ नब्बे रुपये प्रति क्विंटल मेरठ में एक हजार नौ सौ पचास रुपये फैजाबाद में दो हजार आठ सौ पैंतीस और शाहजहा की मंडी में तीन हजार सात सौ सत्तर रुपये प्रति क्विंटल रहा लहसुन का भाव बदायूं की मंडी में तीन हजार पचास रुपये प्रति क्विंटल मेरठ में एक हजार आठ सौ पचास रुपये फैजाबाद में दो हजार आठ सौ दस रुपये और शाहजहापुर की मंडी में दो हजार नौ सौ रुपये प्रति क्विंटल रहा और गुड़ का भाव बदायू की मंडी में दो हजार तीन प्रति क्विंटल फैजाबाद में तीन हजार एक और शाहजापुर की मंडी में दो हजार चार प्रति क्विंटल रहा तो किसान भाइयों ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां तब तक के लिए दीजिए अनुमति नमस्कार और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रासायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डाले और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूले उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया रे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और, तो और बिजली के बिलों का भुगतान डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कारण मेरे लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ शामू भैया सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा आखिर यहाँ बारिश तीन गुना होती है चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, गए नमस्ते सरपंच जी हाँ भाई उपजाऊ जाओ जमीन की कीमत को पहचानो जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या भरपूर मदद जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह एक हजार हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। वाह! फिर तो हमारे खेत में लहला उठेंगे क्या ये सपना सच होगा हाँ जरूर पूर्वी भारत और हरित क्रांति का अग्रदूत होगा और हम सब मिलकर कदम बढ़ाए खुशबू की फुहार में स्वाद की बहार में तरक्की की तमी खिलती मुस्कानों में हरे भरे पौधों में बड़े बड़े मधुर भिन्न भिनाहट में खुशियों की आहट में बागबानी निशन में हमारी चाहत हाथ की मुस्कुराहट किसान भाइयों नमस्कार कृषि समाचारों के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान भाइयों हमारे लिए जितना जरूरी जरूरी है है अपने अपने खेतों की की देखरेख देखरेख करना करना उससे कहीं ज्यादा कृषि यंत्रों भी क्योंकि अगर हमारे कृषि यंत्र सही रहेंगे तो हमें उन्हें प्रयोग में भी लाने में भी कई सहूलियतें प्राप्त होंगी तो कैसे करें अपने कृषि यंत्रों की देखरेख कैसे करें उनका प्रयोग आइए जानते हैं हमारे आज के सलाहकार इंद्र राज जी से जो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है इंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई हम भी जानना चाहेंगे कि क्या लाभ मिलता है हमें हमारे कृषि यंत्रों को प्रयोग में लाने से किसान भाइयों को कृषि यंत्र का प्रयोग करने से बहुत से लाभ हैं पहला तो यह है कि जो खेत की तैयारी होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है इसमें जुताई के जो प्रथम यंत्र है जिसमें गहरी जुताई की जाती है उसमें हमारा मोल्ड बोल हल है और अच्छा। डिस्क हल है ये दो हल ऐसे हैं जिनसे एक बार जुताई करने से हमारे खेत का जो खरपतवार है वो पलट जाता है अच्छा। और मिट्टी नीचे की मिट्टी पलट करके ऊपर आ जाती है जिससे जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं तो पहली गहरी जुताई करने के बाद किसान भाई दूसरे जो सेकेंडरी ऑपरेशन के लिए यूज होता है वो हमारा है मिट्टी तोड़ने वाला या खरपतवार को तोड़ने के लिए काटने के लिए वो है हमारा हायरो अच्छा। और कल्टीवेटर अच्छा इन यंत्रों के द्वारा हम एक से दो बार उसकी जुताई करते हैं जिससे ऊपर की मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाती अच्छा। है और खेत बुआई के लिए तैयार हो, हो जाता अच्छा। है अच्छा तो इंदिरा जी ये बताइए कि क्या जरूरत पड़ी थी इन यंत्रों को इस्तेमाल में लाने की इन यंत्रों के इस्तेमाल की इसलिए आवश्यकता है कि हमारे बैलों की संख्या लगातार घट रही है किसान भाई बैलों की को रख करके उनको चारे पानी की व्यवस्था करने में उतना अब सक्षम नहीं हो पा रहा है समय की कमी है और इसलिए कृषि यंत्रों के माध्यम से हम अपने खेत की तैयारी समय से कर सकते हैं अच्छा। ये इसलिए आवश्यक है अच्छा अच्छा ये बताइए कि बीज बोने से पहले खेत को तैयार किया जाता है तो उस खेत की तैयारी करने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है खेत की तैयारी के लिए मुख्य रूप से डिस्क प्लाउ और बोल प्लाउ दो मुख्य रूप से ये प्रयोग किए जाते हैं इसके बाद दूसरे जो इम्प्लीमेंट हैं कृषि यंत्र हैं वो है हमारा डिस्क हरो अच्छा। और कल्टिवेटर. अच्छा। ये दो मुख्य श्रेणी इसके हैं अच्छा। दोनों श्रेणी में दो दो कृषि यंत्र हमारे प्रयोग किए जाते अच्छा। हैं जिससे हमारा खेत तैयार हो जाता है अच्छा और बोआई और रोपाई में किन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है बोआई और रोपाई के लिए जो मैनुअल हाथ से चलाए जाने वाले यंत्र हैं उसको हम पुराने पहले प्रयोग किए जाते थे वो डिबलर बोलते थे अच्छा, और अब चूंकि मशीनों मस, का युग है जी। तो किसान भाइयों के लिए सीड ड्रिल जैसे अच्छा। गेहूं की बुआई करना है तो सीड ड्रिल से बुआई करते हैं और दूसरा कृषि यंत्र है जो उसको हम क्रॉप प्लांटर बोलते हैं अच्छा। इसमें अंतर दोनों में ये होता है कि सीड ड्रिल किससे जब हम बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी हमारी मेंटेन uh, रहती है लेकिन uh, 20 से 20 की दूरी मेंटेन नहीं रहती है प्लांटर में के केस में ये होता है कि दोनों चीज़ें मेंटेन करते हैं हम पौध से पौध की दूरी भी और लाइन से लाइन की भी दूरी तो ये जो दूर वाली फसलें हैं जैसे मक्का है जी। आपका मूंगफली है इस तरह की फसलों को प्रयोग करने के लिए बुआई करने के लिए प्लांटर का प्रयोग हम करते हैं लेकिन गेहूँ है सरसों है या दलहनी फसलें मसूर है जी। इन, इन फसलों की बुआई के लिए हम सीड ड्रिल का प्रयोग करते, करते हैं अच्छा इंद्र जी आधुनिक युग में कई आधुनिक यंत्र आ चुके हैं लेकिन बुआई और रोपाई में किन यंत्रों का इस्तेमाल करें हमारे किसान भाई ये जानना जरूरी है बुआई और के मुख्य जो यंत्र हैं सीड ड्रिल और क्राप प्लांटर है अच्छा। इसका प्रयोग करें किसान इससे हमारे उत्पादन में 10 से 15 की बढ़ोतरी होती है और समय से बुआई होती है अच्छा। और सीड के साथ साथ जो हमारी फर्टिलाइजर है उर्वरक है उसके प्रयोग के लिए भी सीड फर्टिलाइजर ड्रिल आता है अच्छा। जो एक ही साथ में सीड और फर्टिलाइजर की बुआई कर देता कर है, अच्छा। है। इससे दोनों काम एक साथ दोनों काम एक साथ हो जाता है चलिए अच्छी बात है अच्छा ये बताइए कि फसलों को बचाने के लिए कई बार दवाओं का छिड़काव किया जाता है तो इन दवाओं को छिड़काव करने के लिए किन यंत्रों का जी हाँ किसान भाई अभी तक ज्यादातर ट्रेडिशनल प्रयोग इस तरह से करते थे कि जैसे कोई धूल है या जी, पाउडर है जी, कीट रोग से बचाने के लिए बाजार से ले आकर उसको हाथ हाथ से छिड़काव करते हाँ से थे जो कि हानिकारक है अच्छा। स्वास्थ्य के लिए जी, और हाँ कई तरह की बीमारियां फैलती हैं तो उससे बचने के लिए हमारे पास कृषि यंत्र आ गए हैं जो दवाओं के छिड़काव में प्रयोग किए जाते हैं उसमें जो मुख्य यंत्र हैं वो स्प्रेयर है जो तरल दवाओं के छिड़काव के लिए प्रयोग किया जाता है दूसरा है डस्टर अच्छा। जिसके माध्यम से हम धूल या पाउडर वाली दवाओं को छिड़काव अपने फसलों में कर करते हैं।, हैं अच्छा इन यंत्रों को सरकार द्वारा भी कुछ मदद मिलती है इनको किसानों तक पहुंचाने में और अगर मिलती भी है तो हमारे किसान भाई उस मदद को कैसे अपनाएं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा अच्छा। सभी प्रकार श्रेणी के कृषि यंत्रों पर छूट अनुमन्य है किसान भाई जनपद में उप कृषि निदेशक कार्यालय में फार्म प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं। अच्छा। और कृषि यंत्र खरीदने के बाद वो बिल उप कृषि निदेशक कार्यालय में प्रस्तुत करें जो सब्सिडी है पचास परसेंट जैसे सीड डिल पे पंद्रह हजार रूपए सब्सिडी है अच्छा। इसी तरह स्प्रेयर और डस्टर जो हमारे छिड़काव की मशीनें हैं पे पंद्रह सौ की अगर मशीन है तो अधिकतम पचास प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य तो ये प्रक्रिया में कितना समय लगभग लग जाता है प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता उपलब्धता होने पर जी। आसानी से दस एक हफ्ते से पंद्रह दिन के अंदर अधिकतम मिल जाता है तो क्या सरकार द्वारा भी कोई प्रचार प्रसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे किसानों तक कि ये ये जानकारी हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है जो हमारे प्रसार सुधार योजना के अंतर्गत कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जी। उनके द्वारा न्याय पंचायत लेवल पर गोष्ठिया की जाती हैं ब्लॉक स्तर पर गोष्ठिया की जाती हैं और गाँव में संपर्क करके किसानों को इसकी जानकारी दी जाती है अच्छा।, अच्छा अच्छा अब बात करें सफाई की सफाई बहुत जरूरी है तो कैसे इन यंत्रों की सफाई करी जाए जितने भी हमारे कृषि यंत्र प्रयोग किए जाते हैं चाहे वो जुताई के जैसे जुताई के कृषि यंत्र अगर हम ले लें तो अगर हम खेत में जुताई कर लिए उसके बाद अगर वापस हमको रखना है तो सबसे पहले उसके जितने भी पार्ट हैं उसको बढ़िया से धुलाई कर लें क्योंकि ये मिट्टी या पानी में चलने वाले यंत्र हैं तो इसको इसकी धुलाई पानी से कर लें जी। और पानी से करने के बाद इसको सूख जाने के बाद जी। आयलिंग या ग्रीसिंग जहाँ पे नट बोल्ट हैं उसको देख लें चेक कर लें टाइट कर लें और जहाँ पे आयल या ग्रीस लगाने की आवश्यकता है उसको लगा दें और इसको वर्षा से बचा करके छाये में रखें जिससे इसकी लाइफ ज़्यादा होगी यंत्रों की अच्छा आजकल थ्रेशर का बहुत प्रयोग किया जा रहा है तो क्या है थ्रेशर और इसको इस्तेमाल करने में कई बार किसानों को दुर्घटना भी कई बार किसानों की हो जाती है तो उससे कैसे बचा जाए किसान भाइयों को इसकी जानकारी होनी चाहिए थ्रेशर गेहूं की जो मुख्य फसल हमारी रबी की है उसमें प्रयोग किया जाता है उसकी मड़ाई के लिए थ्रेशर में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं किसान भाइयों के हाथ कट जाते हैं या दुर्घटनाएं हो जाती हैं इससे बचने के लिए कुछ मुख्य सावधानियाँ हैं जैसे कि कभी भी थ्रेसर पे लाग लगाते समय लूज कपड़े नहीं पहनना चाहिए अच्छा, कोई किसी तरह का नशा करके आप वहाँ पे थ्रेसर पे काम न करें अच्छा, थ्रेशर जब चल रहा होता है तो उस समय किसी नट बोल्ट की कसाई न करें, करें और पुली अगर चल रही तो उस पर पट्टा चढ़ाने का प्रयास न करें और इसी तरह से उसके जो नट बोल्ट हैं उसको न जब हमारा थ्रेसर न चल रहा हो उस समय उसकी कसाई करें जी इंद्राज जी आप यहाँ पे आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों हम आशा करते हैं कि हमारे सलाहकार द्वारा दी गई जानकारियों से आपको सहमति जरूर हुई होगी हमें दीजिए अनुमति नमस्कार